गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 23.3। एंड एक्सरसाइज 23.3 में भी हमें फैक्टराइजेशन करना है, बट हमें फैक्टराइजेशन देखिए कैसे करना है। इसमें हमें फैक्टराइजेशन करना है फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज परफेक्ट स्क्वायर। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फैक्टराइजेशन करना है वो उनको परफेक्ट स्क्वायर बना के करना है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे कि जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है, तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें इन दो आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग इन एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सोल्व करना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें फैक्टराइजेशन करना है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सप्रेसिबल एज अ परफेक्ट स्क्वायर। जिनको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सके उसके अकॉर्डिंग हमें इनका क्या कर देना है, फैक्टराइजेशन कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम एक्सरसाइज 23.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। इसमें 1 to 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 49x² + 14x + 1। हमें यहाँ पर दिया गया 49x² + 14x + 1, और इसको हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर की तरह हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हमें लिखा हुआ है 49x² + 14x + 1। तो यहाँ पर 49x² देखिए आपके पास, आपको पता है कि 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और x किसका स्क्वायर होता है, x का। तो हम इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे 7x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखिए, ये जो हमारे पास 1 दिया गया, इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए आपने यहाँ पर भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, इधर भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, देखिए यहाँ भी स्क्वायर की फॉर्म में हो गया, यहाँ भी। तो हमें जो बीच वाली टर्म है उसको हमें कैसे लिखना है, 2ab की तरह लिखना है। तो 2a, a हम किसको मान लेंगे, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर, तो हमने a किसको माना, स्क्वायर को हटा के फिर हमने इसको a ले लिया, और यहाँ पर भी स्क्वायर को हटाकर हमने इसको b ले लिया। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 7x, और इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या बन रहा है, 14x। तो अब आपके पास ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a इसका हमारे पास कंप्लीट, ये जो हमारे पास स्क्वायर बनेगा ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए क्या दिया गया, 7x, बी हमारे पास क्या दिया गया, 1। तो हम इसको लिख देंगे 7x + 1 का होल स्क्वायर, और 7x + 1 के होल स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, 7x + 1 7x + 1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। मतलब क्योंकि इसमें पावर 2 दी गई थी तो हमने इसको 2 times रिपीट करके लिख दिया। अब सेकंड इसी का क्वेश्चन देखिए, 36a² + 60ab + 25b², इसको हम कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए 36a² ये किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ए का। तो हमने इसको लिख दिया 6a का होल स्क्वायर। 25b² को हम कैसे लिख सकते हैं, 5b का होल स्क्वायर। और 60ab को हम कैसे लिख सकते हैं, 2ab की फॉर्म में। तो 2a हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 है, और b हमारे पास क्या हो जाएगा, 5b। तो हम इसको लिख देंगे 2 × 6 × 5b। अब चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60, ab। तो ये हो जाएगा 60ab। तो अब ये किसका स्क्वायर बन गया, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 6a + 5b का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 6a + 5b 6a + 5b। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, 25 + 10a + a². अब यहाँ पर देखिए 25 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर को आप ए का स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2ab। अब a हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, b हमारे पास क्या हो जाएगा, a। तो हम लिख देंगे 2 × 5 × a। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 10a आएगा। तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा 5 + a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b². तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 + a का होल स्क्वायर, और 5 + a के होल स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 + a and 5 + a 2 times रिपीट करके लिखते हैं, या फिर हम इसका अपोजिट भी इसको लिख सकते हैं, a + 5 और a + 5 भी लिख सकते हैं। तो चाहे हम 5 + a 5 + a लिख दें, या a + 5 और a + 5 लिख दें, दोनों हमारे पास क्या होंगे, करेक्ट होंगे। नेक्स्ट आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 100x² + 20a + 1। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, और ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, a का। तो हम इसको लिख सकते हैं 10a का होल स्क्वायर, 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2ab की फॉर्म में। तो 2a हमारे पास है 10a, और b हमारे पास है 1। स्क्वायर हटा दो, उसके अलावा जो भी हमारे पास बच गया उसको लिख दो। तो 2 × 10a × 1, तो ये 20a बनेगा। अब ये b किसका स्क्वायर बन गया, a² + 2ab + b², तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे 10a + 1 का होल स्क्वायर, और 10a + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10a + 1 and 10a + 1। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, 9x² + 24xy + 16y² 9x² को आप कैसे लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, 16y² को कैसे लिख सकते हैं, 4y का होल स्क्वायर, और 24xy को हम कैसे लिख सकते हैं, 2ab की फॉर्म में। तो 2 × 3x × 4y² हमने हटा दिया, और इसके अलावा लिख दिया हमने 2 × 3x × 4y। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 × 2 = 6 और 6 × 4 = 24xy। तो ये हमारे पास हो गया a² + 2ab + b², और a² + 2ab + b² होता है a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a हमारे पास है 3x, b हमारे पास है 4y, तो हम इसको लिख देंगे 3x + 4y का होल स्क्वायर, एंड 3x + 4y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x + 4y 3x + 4y। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6,
25 a स्क्वायर प्लस 80 ab प्लस 64 b स्क्वायर। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, a स्क्वायर स्क्वायर होता है a का, तो हम 25 a स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 a का होल स्क्वायर, 64 b को b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 8 b का होल स्क्वायर, एंड 80 ab को आप कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 a मल्टीप्लाई 8 b। तो हमने इसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 5 a मल्टीप्लाई 8 b, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस b स्क्वायर। तो हम ये भी हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हम a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो हम इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, a हमारे पास होगा 5a, b हमारे पास होगा 8b, तो हम इसको लिख सकते हैं 5a प्लस 8b का होल स्क्वायर, और 5a प्लस 8b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5a प्लस 8b एंड 5a प्लस 8b। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 9x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 64। अब यहाँ पर ध्यान रहे यहाँ पर किसका साइन है माइनस का, इन सब में देखिए किसका साइन था प्लस का साइन था, और यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये कौन सा किसका होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनेगी। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, 9 स्क्वायर होता है 3 का, x स्क्वायर होता है x का, तो हम 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और 48x को आप कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 8, तो हमने इसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 8। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 टू 6 एंड 6 8 जा 48x। अब ये किसका स्क्वायर बन गया, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो मतलब ये a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, a हमारे पास क्या होगा 3x, b हमारे पास होगा 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 8 का होल स्क्वायर, और 3x माइनस 8 के होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं 3x माइनस 8 एंड 3x माइनस 8। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व। नेक्स्ट अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, 3a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर भी प्लस 12ab स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है देखिए यहाँ पर कॉमन आ रहा है, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, देखिए सभी 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 3 12 और 12 इनका एचसीएफ 3 हो सकता है, तो हमने एक तो 3 कॉमन ले लिया, साथ ही साथ आप देखिए a क्यूब a स्क्वायर और यहाँ पर a, तो इनमें से a कॉमन आ सकता है, अब b सिर्फ इन दोनों में और इसमें नहीं है, तो b कॉमन नहीं आ सकता, तो हमने 3a कॉमन ले लिया। अब 3a कॉमन लिया तो इधर देखो 3 तो कॉमन चला गया, यहाँ पर a क्यूब था उसमें से a की पावर 1 कॉमन चली गई, तो a स्क्वायर बच गया, तो हमने इसको लिख दिया a स्क्वायर माइनस का साइन, यहाँ पर 12 12 3 की टेबल में कहाँ पर आता है 4 पर, तो हमने लिख दिया 4, a स्क्वायर में से a हमारे पास क्या चला गया कॉमन चला गया, तो हमारे पास बच गया a एंड b, प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12 12 3 की टेबल में कहाँ पर आता है 4 पर, क्योंकि हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 4, a कॉमन जा चुका है और यहाँ आ गया b स्क्वायर। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3a तो एज इट इज़ रहेगा, अब हम इस ब्रैकेट को लिख देते हैं, a स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, 4b स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 2b का होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर 4 स्क्वायर होता है 2 का, b स्क्वायर स्क्वायर होता है b का, तो हमने इसको लिख दिया 2b का होल स्क्वायर। और अब आप 4ab को कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई ab, a एंड 2b, मतलब a हमारे पास क्या बन जाएगा a और b हमारे पास क्या बन जाएगा 2b, तो यहाँ पर हम इसकी इसको लिख सकते हैं माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 2b। अब देखिए ये वाली किसकी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो हमने इसको एज इट इज लिखा 3a और इसको लिख दिया a माइनस 2b का होल स्क्वायर, a माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या होगा a माइनस 2b एंड a माइनस 2b और 3a एज इट इज, तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखिए ए स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 25b स्क्वायर प्लस 2a माइनस 10b, तो यहाँ पर देखिए इसको तो हम अलग से सोल्व कर लेते हैं और इसको हम अलग से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको पता है ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर होता है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया ए स्क्वायर, 25 बी स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 5 बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको 5 बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, और इस टर्म को हम कैसे लिख देंगे माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 5 बी स्क्वायर को हटा दो और इसके अलावा लिख दो 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 5 बी, 2 5 जो 10 ए बी, तो ये भी हमारे पास 10 ए बी है, प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं ए माइनस 5 बी, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया ए माइनस 10 कि 10 2 की टेबल में कहाँ पर आता है 5 पर, तो ये यहाँ पर बच गया 5b। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हमने इसको लिख दिया a माइनस 5b का होल स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़ और a माइनस 5b भी एज इट इज़। अब यहाँ पर आप देखिए ये एक टर्म होगी और ये एक टर्म होगी, इन दोनों टर्म से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पर a माइनस 5b की पावर 2 है, यहाँ पर a माइनस 5b की पावर 1 है, तो a माइनस 5b की पावर 1 कॉमन आ गई, तो जब a माइनस 5b की पावर 1 कॉमन आ गई तो इधर क्या बच गया देखिए a माइनस 5b की पावर 1 बच गई, और यहाँ पर क्या बच गया 2 बच गया, क्योंकि ये तो कॉमन जा चुका है, तो ये हो गया a माइनस 5b a माइनस 5b प्लस 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया 16x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 81y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27y, इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व कर देंगे और हम इसको अलग से सॉल्व कर देंगे, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, 16x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 4x का होल स्क्वायर, तो हम 16x स्क्वायर को लिख देंगे 4x का होल स्क्वायर,
81y स्क्वायर को हम लिख देंगे 9y का होल स्क्वायर, और 72xy को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 9y, तो हमने इसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 9y, 4 टू 8 और 8 9 72 xy, तो ये हमारे पास यही बनेगा। यहाँ से आप देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, इसके साथ हम ले लेंगे इसको, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस ये 12 और 27 का हमारे पास जो HCF आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस 3, जब हमने माइनस 3 ले लिया तो 12 की टेबल में 3 कहाँ पर आता है 4 पर, तो ये हो गया 4x, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था हमने माइनस का साइन बाहर लिया, तो ये साइन कैसा बन गया माइनस का बन गया। 27 3 की टेबल में कहाँ पर आता है 9 पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9y, हमने 3 कॉमन लिया था तो यहाँ से बच गया तो 4x और इधर से बच गया 9y, क्योंकि हमने माइनस का साइन बाहर लिया तो ये हो गया माइनस का साइन। अब आप इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो हम इसको लिख 4x माइनस 9y का होल स्क्वायर माइनस 3 4x माइनस 9y एज इट इज। अब आप यहाँ पर फिर से देखिए, ये हमारे पास एक टर्म है और ये हमारे पास एक टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है 4x माइनस 9y कॉमन आ सकता है, तो हमने 4x माइनस 9y कॉमन ले लिया, जब हमने 4x माइनस 9y कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया 4x माइनस 9y, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 थी, इधर पावर 1 हमने कॉमन ले ली, तो इधर बच गया 4x माइनस 9y माइनस ये कॉमन जा चुका है तो इधर बच गया माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आप के पास क्या दिया गया है 3a की पावर 5 माइनस 30a क्यूब प्लस 75a, इसको हम देखिए कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देखिए हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं देखिए 3, 30 और 75, इनमें से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ सकता है 3, a की पावर 5, a क्यूब और a, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, a कॉमन आ सकता है क्योंकि सबसे छोटी पावर a की पावर 1 है, तो वो हमारे पास कॉमन आ गई, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, 3 कॉमन जा चुका, a की पावर 5 में से a की पावर 1 कॉमन जा चुकी, तो a की पावर 4 बच गई माइनस का साइन, 30 आता है 3 की टेबल में 10 पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10, अब a क्यूब में से a कॉमन जा चुका है तो a स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है 75, 75 3 की टेबल में कहाँ पर आता है 25 पर, जब हम 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25, और a हमारे पास कॉमन जा चुका है तो हम ये लिखेंगे नहीं, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर तो आ जाएगा 3a, अब आप a की पावर 4 देखिए, a की पावर जो 4 है वो किसका स्क्वायर होता है, a स्क्वायर का स्क्वायर होगा, क्योंकि a की पावर 4 दे रखी है, तो पावर 2 तो हमने अलग कर दी, मतलब हमने इसको इस पावर को हमने 2 से डिवाइड करके देख लिया, तो 2 से डिवाइड करके देख लिया तो कितना आएगा 2, तो मतलब ये बन जाएगा a की पावर 2 का स्क्वायर, माइनस का साइन पहले हम इसको लिख लेते हैं 25 हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो 25 को हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a, a अब हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम स्क्वायर को हटा देंगे, उसके अलावा जो भी दिया गया हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे, स्क्वायर हटाया तो हमारे पास a स्क्वायर बचा इधर, तो हमने लिख दिया 2 a स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बचेगा 5, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट आप देखिए अब हमारे पास ये क्या बन गया, देखिए अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2 5 10 ए स्क्वायर, तो ये हो गया 10 ए स्क्वायर, अब ये 3 ए एज इट इज़, अब ये देखिए किसका स्क्वायर बनेगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ए क्या है ए स्क्वायर है, बी हमारे पास क्या है 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस 5 के होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5, ए स्क्वायर माइनस 5 और ये 3 हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका भी हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास दिया क्या क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप कैसे करेंगे 49x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 42x क्यूब y क्यूब z, ये आपको दिया गया। अब आप देखिए पहले हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं कुछ, देखिए 49 9 और 42 यहाँ से तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बट x की पावर 4 y की पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है देखिए यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 2 और यहाँ पर x की पावर 3 है, तो मतलब आप x की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने x की पावर 2 को ले लिया कॉमन। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर y की पावर 4 y स्क्वायर और y क्यूब, तो आप y स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, सबसे छोटी पावर y स्क्वायर। अब देखिए z स्क्वायर सिर्फ इसमें है, z जो है वेरिएबल वो इन दोनों में इस टर्म में नहीं है, तो बस हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब आप देखिए जब x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन आ गया तो इधर तो बच गया 49 एज इट इज, जब x स्क्वायर कॉमन चला गया मतलब पावर 2 कॉमन चली गई तो यहाँ पर पावर 2 बच गई, इधर भी पावर 2 कॉमन चली गई तो पावर 2 बच गई, तो ये हो गया 49 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर कंप्लीट कॉमन जा चुका है तो इधर बच जाएगा z स्क्वायर माइनस का साइन 42 एज इट इज़ आएगा, यहाँ से एक्स क्यूब में से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो एक्स बच जाएगा क्योंकि एक्स की पावर 1 बचेगी, यहाँ पर वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो यहाँ पर भी वाई बच जाएगा, और इधर हमारे पास जेड तो है ही नहीं कॉमन तो जेड एज इट इज़ रहेगा। अब आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको तो एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है एक्स का, और वाई स्क्वायर स्क्वायर होता है वाई का, तो हम इस कंप्लीट को लिख सकते हैं 7xy का होल स्क्वायर
प्लस आप 9z स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 3z का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होता है, ये z का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख देंगे 3z का होल स्क्वायर। माइनस का साइन, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर की फॉर्म में आ गए, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2 मल्टीप्लाई 7xy मल्टीप्लाई 3z स्क्वायर, हटा दिया हमने इन दोनों का और बाद में हमने जो भी बच गया वो लिख दिया, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 7xy मल्टीप्लाई 3z, तो 7 × 2 = 14, 14 × 3 = 42 xyz, तो ये हमारे पास बचेगा 42xyz। अब इसको एज इट इज लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखिए किसका स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब ये हमारे पास स्क्वायर बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए हमारे पास यहाँ पर कितना है 7xy, बी हमारे पास क्या 3z, तो हम इसको लिख सकते हैं 7xy माइनस 3z का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमने इसको लिख दिया 7xy माइनस 3z का होल स्क्वायर, 7xy माइनस 3z का होल स्क्वायर क्या आएगा, 7xy माइनस 3z एंड 7xy माइनस 3z, टू टाइम्स हम इसको रिपीट करके लिख देंगे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम कैसे करेंगे, हमने इसको क्या किया, हमने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर हो गया एक्स का स्क्वायर, 4y स्क्वायर हो गया 2y का होल स्क्वायर, तो हमने इसको लिख दिया एक्स अपॉन 2y का होल स्क्वायर प्लस इस यहाँ पर हमारे पास देखिए वाई स्क्वायर होगा वाई का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होगा एक्स का स्क्वायर, तो हमने इसको लिख दिया वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इसको तो हमने लिख दिया एक्स अपॉन 2y का होल स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर की फॉर्म में आ गए, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई ये हो गया एक्स अपॉन 2y मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई अपॉन एक्स सॉरी ये तो हमारे पास ये हो गया 2 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 2y मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स, ये हमारे पास हो गया ना देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमने a हमारे पास किसको मान लिया एक्स अपॉन 2y को, b हमने मान लिया y अपॉन एक्स को, तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप देखिए ये किसका स्क्वायर बन गया x प्लस वाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a हमारे पास क्या एक्स अपॉन 2y, b हमारे पास है y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और होल स्क्वायर है तो हम इसको टू टाइम्स लिख देंगे एक्स अपॉन 2y प्लस y अपॉन एक्स एंड एक्स अपॉन 2y प्लस y अपॉन एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी बना जाएगा आ सकता है, देखिए 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल हो जाता है और x से x कैंसिल हो जाता है, तो ये 1 बन जाता, तो हमने इसको तो लिख दिया x अपॉन 2y का होल स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया y अपॉन x का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो a हमारे पास क्या था x अपॉन 2y और b हमारे पास क्या था y अपॉन x, तो हमने इसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और फिर ये हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस जेड एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, तो इसको तो हम एज इट इज़ रहने देंगे, माइनस हमारे पास क्या दिया गया है, ये देखते हैं हमारे पास 2 दिया गया है कि जेड दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है जेड दिया गया है, तो हम इसको क्या लिख देंगे जेड लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या है जेड है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख लेंगे जेड लिख देंगे और यहाँ पर भी आप लिख देंगे जेड एंड देन यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है जेड लिखना है, तो आप इसको यहाँ पर जेड लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स, देखिए वाई से वाई कैंसिल हो जाता है एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है यहाँ बच जाता है 2 माइनस जेड एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स ही एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए ये किसका स्क्वायर बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए हमारे पास क्या होगा एक्स अपॉन वाई, बी हमारे पास होगा वाई अपॉन एक्स, तो ये हो गया एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस जेड एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। अब आप देखिए इधर एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, इधर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ से एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1 कॉमन आ जाएगी, तो इधर हमारे पास बच गया एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1 और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया जेड, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए पावर 2 थी तो हमने ये 1 पावर कॉमन ले ली, तो इधर पावर 1 बच गया, इधर बच गया माइनस जेड, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए दिया गया हमें ए ए माइनस 2 ए माइनस 4 प्लस 4 ए माइनस 8, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको तो एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, सेम हमने लिखा, इसमें से हम 4 क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो ये बच गया ए माइनस 2, तो 4 कॉमन लिया तो हो गया ए माइनस 2। अब देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इस टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से ए माइनस 2 कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, ए माइनस 2 इधर भी ए माइनस 2 इधर भी है, तो हमने ए माइनस 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, इधर बच गया ए ए माइनस 4 ए बच गया और ए माइनस 4 बच गया और इधर हमारे पास बच गया प्लस 4, तो हमने ए माइनस 2 को एज इट इज़ रखा, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस का साइन, ए को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4a प्लस 4, ये हो जाएगा हमारे पास। अब a माइनस 2 को आप एज इट इज़ रखेंगे, अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये आपके पास है ए स्क्वायर, तो आपने इसको a का स्क्वायर लिख दिया, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है और 4a को आप कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 2
तो हमने लिख दिया 2 × (a)/2, क्योंकि 2 × 2 = 4a। तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास है a, b हमारे पास है 2, तो हम इसको लिख देंगे a माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर हमारे पास a माइनस 2 था ही पहले से, तो a माइनस 2 तो हमने एज इट इज़ रखा, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, तो हमने इसको 2 times रिपीट करके लिख दिया a माइनस 2 एंड a माइनस 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट आपके पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, 2x − 3 (x²+16 − 16x²+24x). तो इसको तो हमने एज इट इज़ रखा 2x − 3 एंड (x²+16). यहाँ से हमने देखिए क्या कॉमन ले लिया, 16 और 24 का एचसीएफ हो जाएगा 8, ये दोनों 8 के टेबल में आता है तो हमने 8 लिख दिया। x² और x, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर x कॉमन ले लिया। तो इधर 16 देखिए 8 के टेबल में कहाँ पर आता है, 2 पर, x² में से x कॉमन गया तो x बच गया। अब देखिए हमने माइनस का साइन कॉमन लिया तो प्लस वाला साइन माइनस का बन जाएगा। 24 की टेबल 24 8 की टेबल में कहाँ पर आता है, 3 पर आता है, और क्योंकि x कॉमन जा चुका है तो हम नहीं लिखेंगे। तो हमने यहाँ से -8x कॉमन लिया इन दोनों से, तो हमारे पास क्या बच गया, 2x − 3 बच गया। अब आप इधर देख रहे हैं, इधर भी 2x − 3 है और इधर भी 2x − 3 है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से 2x − 3 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 2x − 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो गया x² + 16 − 8x, ये हो गया x² + 16 − 8x, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। तो हम इसको लिख देंगे 2x − 3 एज इट इज़। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए x² x का स्क्वायर हो गया, 16 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दो स्क्वायर में आ चुके हैं। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, −2 × (x)/4, तो हमने इसको लिख दिया −2 × (x)/4। देखिए 4 × 2 = 8x, तो ये हमारे पास हो जाएगा a² + b² − 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। a हमारे पास है x, b हमारे पास है 4, तो हम इसको लिख देंगे x − 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2x − 3 एंड x − 4 का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख देंगे, x − 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी सोल्व। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास दिया गया है (x²+1/(x²+2) − (2x²9) − (2x)/7। तो इसको तो हम अलग से सोल्व करेंगे और इसको हम अलग से सोल्व करेंगे। तो देखिए (x²16) है, अब इसको आप किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, (x²8) का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पावर के ऊपर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये (x²16) बन सकती है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, (x²16) को हम (x²8) का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 से आप डिवाइड करके देख लो, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8, तो हम इसको लिख देंगे (x²8) का स्क्वायर। तो हमने इसको लिख दिया (x²8) का स्क्वायर, प्लस इसको भी हमने लिख दिया 1/(x²8) का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और (x²8) का स्क्वायर (x²16) बन जाएगा। तो इन दोनों को लिख दिया। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × a हमारे पास क्या बन जाएगा, (x²8), क्योंकि हमें सिर्फ स्क्वायर को हटाना है। तो a हमारे पास बन जाएगा (x²8) और b हमारे पास बन जाएगा 1/(x²8), तो हमने इसको लिख दिया 2 × (x²8) − 1/(x²8), क्योंकि अगर (x²8) से (x²8) कैंसिल भी होता है तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2। अब हम इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2 तो कॉमन आएगा ही, और इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो अब (x²9) में से एक्स कॉमन आएगा तो हमारे पास (x²8) बचता है, प्लस हमारे पास क्योंकि माइनस का साइन हमने कॉमन लिया तो इधर हमारे पास बच गया प्लस, अब 2 कॉमन जा चुका तो यहाँ बच गया 1। तो अब अपॉन देखिए (x²7), यहाँ पर हमने क्या ले लिया, मल्टीप्लाई वाला एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो डिवाइड वाला एक्स तो बच गया ना अभी हमारे पास, तो ये हो गया (x²8)। देखिए अगर आपने एक्स कॉमन ले लिया, अगर आप मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो यहाँ पर देखिए (x²1) डिनोमिनेटर में है और (x²8) डिनोमिनेटर में, तो (x²7) बचेगा ना हमारे पास। तो जब हमने मल्टीप्लाई वाला एक्स कॉमन लिया, मतलब हम ये मान के चल लेंगे कि यहाँ पर जो है एक एक्स मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में भी, और एक एक्स मल्टीप्लाई में भी है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई वाला एक्स को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर डिवाइड वाला एक्स बच गया, तो अगर ये बच गया तो ये बन जाएगा (x²8)। तो यहाँ से जब हमने −2x कॉमन लिया तो इधर बच गया (x²8), इन दोनों में से जब हमने −2x कॉमन लिया तो इधर बच गया (x²8) और इधर बच गया 1/(x²8)। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पर (x²8) + 1/(x²8) + 2 × (x²8) + 1/(x²8). तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, देखिए (a²+b²+2ab), तो ये हो जाएगा (a+b) का होल स्क्वायर। तो हमने इसको लिख दिया (x²8) + 1/(x²8) का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट हमारे पास सोल्व हो गया, इसको एज इट इज़ लिखा −2x (x²8) + 1/(x²8). अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, (x²8) + 1/(x²8) कॉमन ले सकते हैं। तो जब हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट स्टार्ट, इधर तो बच गई पावर 1, तो हमने लिख दिया (x²8) + 1/(x²8), माइनस ये कॉमन जा चुका है इधर बच गया 2x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 49y² + 84yz + 36z². 49 किसका स्क्वायर होता है, 7y का होल स्क्वायर होता है, 36z स्क्वायर होता है 6z का होल स्क्वायर। तो हमने इसको लिख दिया 7y का होल स्क्वायर 6z का होल स्क्वायर। और 84yz को आप कैसे लिख सकते हैं, +2 × 7y × 6z, क्योंकि a हमारे पास है 7y और b हमारे पास है 6z, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 84yz। तो ये हो गया (a²+b²+2ab), तो (a²+2ab+b²) किसकी आइडेंटिटी होती है, a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। a हमारे पास है 7y, b हमारे पास है
सिक्स जेड, तो हम इसको लिख देंगे सेवन एक्स प्लस सेवन वाई प्लस सिक्स जेड का होल स्क्वेयर। ए हमारे पास है सेवन वाई, बी हमारे पास है सिक्स जेड, तो हमने इसको लिख दिया सेवन वाई प्लस सिक्स जेड का होल स्क्वेयर। और सेवन वाई प्लस सिक्स जेड के होल स्क्वेयर को आप कैसे लिख सकते हैं, सेवन वाई प्लस सिक्स जेड, सेवन वाई प्लस सिक्स जेड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 121 बी स्क्वेयर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वेयर। 121 किसका स्क्वेयर होता है, 11 का, तो हमने इसको लिख दिया 11 बी का होल स्क्वेयर। 16 सी स्क्वेयर होता है 4 सी का होल स्क्वेयर, तो हमने इसको लिख दिया 4 सी का होल स्क्वेयर। और 88 बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 11 बी मल्टीप्लाई 4 सी, तो हमने इसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 11 बी मल्टीप्लाई 4 सी और माइनस का साइन एज इट इज। तो अब देखिए ये हो गया ए स्क्वेयर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो मतलब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, ए माइनस बी के होल स्क्वेयर की, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 11 बी माइनस 4 सी का होल स्क्वेयर। और 11 बी माइनस 4 सी का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 11 बी माइनस 4 सी, 11 बी माइनस 4 सी, हमने इसको 2 टाइम्स रिपीट करके लिख दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है ए की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी की पावर 4। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हमारे पास, हम कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस ए की पावर 4 को लिख देंगे ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, क्योंकि देखिए पावर 2 हमने जब 2 से डिवाइड किया तो पावर 2 बची, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो हमने इसको लिखा ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। बी की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो हमने इसको लिख दिया बी स्क्वेयर का स्क्वेयर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए, ए अब हमारे पास क्या है ए स्क्वेयर और बी हमारे पास क्या है बी स्क्वेयर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारे पास, देखिए ए की पावर 4 को हमने लिख दिया ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, बी की पावर 4 को हमने लिख दिया बी स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए स्क्वेयर को हटा दीजिए और बाकी आप लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर, तो हमने लिख दिया। अब ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वेयर प्लस 2 ए, 2 ए बी प्लस बी स्क्वेयर, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी बन गई। ए हमारे पास यहाँ पर क्या ए स्क्वेयर, बी हमारे पास है बी स्क्वेयर, तो हमने लिख दिया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, हमने इसको 2 टाइम्स रिपीट करके लिख दिया। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 23.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व। अब आपको एक्सरसाइज 20.3 कंप्लीट करनी है।